और वहीं पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है और लगातार पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी जारी है। जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के पुराने वादे और दावे याद दिला रही है। तो अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कमलनाथ जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव कम करने की घोषणा कर लोगों से झूठ बोला, सत्ता हासिल की और सत्ता में आते ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए। उस वक्त ना तो कोई आपदा थी ना समस्या थी। आज किस मुंह से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात कर रहे हैं, जबकि आज तो कोरोना का संकट सामने है। वहीं प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के मामले पर भी नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया और कहा कि पुलिस हमारी ही सुरक्षा के लिए सड़कों पर है और उन्हीं के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। कमलनाथ जी का मैंने पढ़ा वो बयान, ये वो कमलनाथ नहीं है जिनने अपने वचन पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का करके धोखा देके लोगों को सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद में सबसे पहले इनने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए। तब तो कोई आपदा नहीं थी, आज तो आपदा है। तब कोई समस्या नहीं थी, यही समस्या थी कि मध्य प्रदेश के लोगों ने समस्या को ही चुन लिया था। इनने दाम बढ़ा दिए और अब उंगली उठा रहे हैं। इनको अधिकार है क्या उंगली उठाने का? कमलनाथ जी, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जबलपुर में रज्जाक भाई ने उनको चाकू मार दिया, अच्छा नहीं है। खंडवा में थप्पड़ मार दिया कल, ये दो घटनाएं हैं मन को पीड़ा देती है। जो लोग अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा कर रहे हो, आज हमारी पुलिस सेना जैसा काम कर रही है। जब हम सब घरों में हैं तब वो सड़क पर खड़ी है। इस 40 और 42 टेम्परेचर में वो पीपीई किट पहन के खड़े हुए हैं। पुलिस की धारणा बदल गई एक साल इस लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू में लोगों की, और इसलिए हम सब उन्हें धन्यवाद दें न दें, आभार व्यक्त करें न करें, कम से कम हमले ना करें। ये